मिरेकल गार्डन इतना बड़ा है कि उसके तीन हिस्से बनाने पड़े। तो नमस्ते दोस्तों, मैं निकी यूडिमोनियाज मेस्टर्स में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब खुश हैं और खैरियत से हैं। मिरेकल गार्डन की वाइब और सुंदरता दुबई से वापस इंडिया आने के बाद भी हमारे जहन में हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि काफ़ी सुंदर और काफ़ी मेस्मराइजिंग थे वहाँ के नज़ारे। यहाँ पे आने के बाद 360 डिग्री रोटेशन पे सिर्फ नज़ारे ही नज़ारे हैं और हर एक नज़ारे एक दूसरे से बहुत अलग है और बहुत ही वैरायटीज़ में आपको दिखाई देते हैं। इन रंगों को और ताजगी को मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल है टेक्नोलॉजिकली भी, और बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो काफ़ी काबिलिय तारीफ है ये बात। दुबई सिटी यूँ ही नहीं मशहूर है इतनी। पिछले वीडियोस में आपने देखे होंगे कि काफ़ी सारे ओपन शॉप्स थे जो तरह तरह की चीज़ें बेच रहे थे। तो अभी इस लाइन में लेफ्ट साइड में देखिए, सारे सिमिलर मॉडल के शॉप्स है और एसी रूम्स है शायद से, क्योंकि सब कुछ इनक्लोज्ड है शॉपिंग के लिए और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी है इसके अंदर। तो ये भी बहुत क्यूट सा लगा मुझे। ये येलो केटल देखिए कितना परफेक्शन से बनाया गया है, काफ़ी सुंदर है। अगर आपने द स्मर्फ मूवी देखी है तो आपको इस एरिया का जो थीम है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन है वो पूरा द स्मर्फ के कैरेक्टर्स को डेडिकेट किया गया है, उनके स्ट्रक्चर्स है अलग अलग शेप्स में एंड साइजेस में। एंड ये भी सेक्शन काफ़ी क्यूट है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर ऐसी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी अप्लाई हो जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, तो हम भी काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी टूरिस्ट आते नहीं हैं, आते ज़रूर है, इंडिया को सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजिकली और इम्प्रूव हो गए और इतना क्रिएटिविटी लाया हर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में, तो भाई मज़ा आ जाएगा। दुबई का आधा से ज़्यादा रेवेन्यू तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस से ही आता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। क्या आपको पता है मिरेकल गार्डन को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल चुका है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन माना गया है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्टिकल गार्डन। जो स्ट्रक्चर अभी अभी आपने देखा उसे अम्ब्रेला टनल का नाम दिया गया है। मिरेकल गार्डन का ही एक दूसरा वेंचर है बटरफ्लाई गार्डन, जो काफ़ी सुंदर है और उसका भी टिकट प्राइस लगभग 55 दिरहम्स के आसपास ही आता है, तो INR में बोला जाए तो 1000 के ऊपर होगा, 1200 समथिंग। ऑफर प्राइस भी मिल सकती है, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में कहा था ढेर सारे वेबसाइट से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके बुक कीजिएगा। कहा जाता है 15,000 के ऊपर वेराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज यहाँ पे पाए जाते हैं और ये एक इंडोर गार्डन है, दुबई का फर्स्ट इंडोर गार्डन है बटरफ्लाइज के लिए। जिनको बटरफ्लाइज पसंद है वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इवन वहाँ पर भी डाइनिंग एंड शॉपिंग एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। अब हम मिरेकल गार्डन को थोड़ा ऊपर से देखेंगे, तो ये जो है वो उसका टॉप व्यू है। ये जो एयरबस है A380, इसे भी गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड मिल चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर स्ट्रक्चर के नाम से ये रिकॉर्ड उसको मिल गया है। तो ये फ्लोटिंग लेडी देखिए, ये काफी फेमस है मिरेकल गार्डन में। मिरेकल गार्डन के किस्से जो है वो इस वीडियो के साथ समाप्त होते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर भी, ताकि आप देख सको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस वगैरह वगैरह। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।